लाठी मार की पुलिस अभद्रित भाषा का हमारे लिए उपयोग किया गया, और उसके बाद हमें सुद्धोवाला जेल ले जाया गया, और सुद्धोवाला जेल के बाद हम 13 लोगों को चिन्हित करके प्रेमनगर थाने में रखा गया। तो शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे साथ जैसे आतंकवादियों जैसा बर्ताव हो रहा है, कि हमें बता नहीं रहे हो आप, इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो कि हमारे साथ क्या होगा आगे। मुख्यमंत्री जो जिसने लॉ किया है, कानून की पढ़ाई करी है, उनके द्वारा ये बोलना है कि परीक्षाएं रुक जाएंगी भर्ती सीबीआई की, कोई उन्हें ये समझा है कि ये स्टे के लिए नहीं हो रहे, सीबीआई जांच और स्टे में आपको फर्क तो पता होना चाहिए। सीबीआई जांच की मांग से कैसे परीक्षाएं रुक जाएंगी। उत्तराखंड में युवाओं के बीच बेरोजगारी को लेकर लगातार चर्चा जारी है। 9 फरवरी को जिस तरीके से आंदोलन हुआ और उसके बाद उपद्रव हुआ और पूरा मामला जो है हाई प्रोफाइल हो गया, इसको लेकर काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे और काफ़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में भी चर्चा हुई और राजनीतिक गलियारों में भी ये मुद्दा गरमाया हुआ है। जहां एक तरफ बेरोजगार संघ के 13 सदस्य जेल गए और देखा गया कि बॉबी पवार किस तरीके से युवाओं की एक उम्मीद बन के उभरे हैं, उनके साथ कई और लोग भी थे जो युवाओं की आज आशा की एक किरण बनते नजर आ रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद हैं जो बेरोजगार संघ के कार्यकर्ता भी हैं और लगातार युवाओं की आवाज़ उठाते आ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। लूसुन तोड़रिया जी, आज आप युवाओं के साथ लगातार UKSSC और UKPSC का मुद्दा उठा रहे हैं, आपको जेल भी जाना पड़ा, तो पुलिस कह रही है कि जो उपद्रव हुआ उसके लिए आप लोग जिम्मेदार हैं, तो आज आप अपनी सफाई में क्या कह रहे हैं? देखिए, हम तो सत्याग्रह में बैठे थे, शांतिपूर्वक बैठे थे, और अगर पुलिस कह रही है, हम तो कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन और सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि आप इतनी जब इतनी भारी संख्या हो गई है युवाओं की, आप उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि अराजक तत्व कैसे घुसे, क्योंकि हम तो सत्याग्रह में अहिंसावादी तरीके से बैठे थे। हम 8 तारीख को रात को बैठे और हम कुछ नहीं थे, 150 लोग थे जो बैठे हुए थे शांतिपूर्वक अपनी मांग को लेके, और रात को पुलिस वाले आते हैं और सीधा लाठी चार्ज कर देते हैं युवाओं पे, बड़ी महिलाओं के साथ अभद्रता होती है, महिला कांस्टेबल नहीं रहती उस समय, और उसके बाद जो उबाल आता है अगले दिन सड़कों पे, वो इसी बात का उबाल था कि आप एक शांतिपूर्वक धरने को दमन करने की जो रणनीति के साथ आए थे, ये उसका उबाल था। और पुलिस ने जो तमाम आरोप लगाए हम पे कि इन्होंने पत्थरबाजी करी, इन्होंने उकसाया, इन्होंने वर्दी फाड़ी, अदालत में सब साबित हो रहा है कि बेबुनियाद आरोप हैं। पुलिस कह रही है कि हमारी वर्दी फाड़ने के कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए। पुलिस कह रही है कि हम पे गंभीर चोटें आई, गंभीर चोटों के कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए, और हमारी कोई फोटो हो, कोई वीडियो हो जिसमें हम उकसा रहे हों भीड़ को या खुद पत्थरबाजी कर रहे हो। हमने तो खुद ही जब अराजक तत्व घुस गए थे तो उनको हटाने की कोशिश करी, पत्थर से रुकवाने की कोशिश करी, वीडियो फोटो में सब मौजूद है। आज के समय में हमारा एक जो साथी था राम कंडवाल, उसको पुलिस वालों ने होटल के अंदर से गिरफ्तार करा जब वो होटल में था। तो जब आपका तंत्र इतना मजबूत है कि एक आंदोलनकारी के होटल का आपको पता है, तो क्या आप वो पता नहीं कर सकते जिन्होंने पत्थरबाजी करी या जिन्होंने अभद्रता करी? तो जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, आपको जेल भी जाना पड़ा, पूछने में बड़ा अटपटा लगता है, लेकिन जो जेल यात्रा थी उसके बाद क्या हुआ जब पुलिस आपको जेल लेके गई? देखिए, हमें पहले तो यहीं से गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी भी क्या हुई है, और लाठी लूटी मार के हमें अंदर किया, जबकि हमने कुछ ऐसा तो किया नहीं था। लाठी मार की पुलिस अभद्रित भाषा का हमारे लिए उपयोग किया गया, और उसके बाद हमें सुद्धोवाला जेल ले जाया गया, और सुद्धोवाला जेल के बाद हम 13 लोगों को चिन्हित करके प्रेमनगर थाने में रखा गया। 10-11 बजे तक हमें वहाँ रखा गया, उसके बाद हमें अलग अलग तीन चार चार करके अलग अलग थानों में रात को रखा गया। किसी को पंडितवाड़ी रखा गया, किसी को प्रेमनगर रखा गया, किसी हमें पटेल नगर रखा गया। तो रात को हमें 3-4 बजे तक पटेल नगर थाने में मतलब बिठाए रखा, हमसे मतलब ऐसा लगा, हमने तो तब बोला कि हमें तो भैया आराम करने के लिए भी आप दे नहीं रहे हो, मतलब एक जो मानव अधिकार है उसकी भी हमें आपको कुर्सी पे बिठाए रखा। रात में बिठाए रखा 4-5 बजे तक, तो हमें कुर्सी पे बिठाए रखा जब हमने बोला कि अब हमें भैया आराम भी करना है, तो आप तो हमें फिर जाके हमें हवालात के अंदर सोने दिया गया, जब हम वो भी हमने जब डिमांड कर करके किया, क्योंकि हमें बता ही नहीं रहते कि क्या करने जा रहे हैं, मतलब कि हमें लगी नहीं, हमें शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे साथ जैसे आतंकवादियों जैसा बर्ताव हो रहा है,
कि हमें बता नहीं रहे हो आप, इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो कि हमारे साथ क्या होगा आगे, और हमें मतलब बिठाए रख रहे हो आप, मतलब हम बोल रहे हैं कि हमें सोने दिया जाए तो हमें सोने नहीं दे रहे हो। आपके साथ और कौन कौन था? बॉबी आपके साथ थे? बॉबी अलग था, रामकंडवाल अलग थे, हमें अलग अलग कर दिया था, और हमारे साथ हमारी मसूरी के कुछ साथी थे, हमारे पवन केंदोरा थे, बूटाकोटी भाई था, नितिन बूटाकोटी भाई था, दो हमारे तीन छात्र भी थे लड़के जो तैयारी कर रहे थे, तो 5 लोग थे हम कुल टोटल। तो पटेल नगर थाने में थे हम रात को, मतलब 1-2 बजे के करीब हमें वहाँ, 3-4 बजे तक हमें वहीं बिठाए रखा। फिर जब हमने बोला कि हमें आप सोने के लिए दिए, तब जाके हमें मतलब कम्बल कुम्बल के बाद हमें लिटाया गया। इतने समय तक जेल में रहे आप, करीब 5 दिन, हफ्ता भर तक आप जेल में रहे, तो वहां किस तरीके का माहौल था? पहली बार जेल जाना हुआ, वो भी इस तरीके के आंदोलन में, आरोप लग रहे थे कि आपने बलवा किया है, दंगा किया है, और पत्थरबाजी के ऊपर आपके आपके ऊपर 302 भी लगी, जो हालांकि बाद में कोर्ट ने क्वाश कर दी, लेकिन जेल में जिस तरीके का अनुभव था उसको बताइए कि वो समय कैसा रहा? देखिए, हम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का हम सम्मान करते हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, तो हमारे तो खुद ही मेरे पिताजी 2 महीने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में जेल में रहे थे, तो हमें तो जेल जाने से कोई डर नहीं, अगर हम किसी हक की आवाज़ के लिए जेल डाल रहे हैं तो हमें तो उस चीज़ का कोई डर नहीं था। तो वैसे ही गए जेल में, अधिकारियों से ने हमारे साथ कोई अभद्रता नहीं की, ईमानदारी से हमें बताएं, क्योंकि वो भी समझते हैं कि हम सही बात उठा रहे हैं, कि उनके भी बच्चे हैं, उनका भी, बच्चों का भी भविष्य है, तो उन्होंने तो हमारा समर्थन ही किया है कि आप सही चीज उठा रहे हैं, तो हमें ऐसी कोई मतलब जेल में हमें कोई ऐसी समस्या नहीं हुई। अधिकारियों को आपके साथ सहानुभूति थी? बिल्कुल, जेल में बैठ रहे, देखिए जिनके बच्चे हैं हम तो बहुत जानते हैं, सर जो तो कर्मचारी हैं, चाहे बहुत सारे, आप पुलिस प्रशासन से लेके सरकारी विभागों से लेके विभिन्न विभागों में ऐसे लोग हैं जिनको उत्तराखंड के मुद्दों को ले, उत्तराखंड के युवाओं के भविष्यों के प्रति सहानुभूति है, तो जेल में भी हमें ऐसे लोग मिले, अधिकारी मिले जिनको सहानुभूति थी हमारे संघर्ष को लेके, तो उनके द्वारा हमें समर्थन प्राप्त था, तो हमें तो ऐसी कोई समस्या जेल के अंदर तो आई नहीं। आज आपने ट्विटर पे कैंपेन भी किया, डिजिटल कैंपेन, जिसमें आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो किस तरीके से ये कैंपेन रहा? देखिए, बहुत सफल रहा, टॉप 30 ट्रेंड में हम आज पहुंच गए थे, करीबन मेरे ख्याल से 20,000 तक ट्वीट उसको हुए, यूके सीबीआई, यूके रिक्रूटमेंट स्कैम और उत्तराखंड मांगे सीबीआई को लेके, और लगातार 11 बजे सुबह से शुरू हो गया था और लगातार 2 घंटे चला ये कैंपेन, और लगातार मतलब ये था कि राज्य के विभिन्न विभिन्न हिस्सों से ट्वीट हुए और पूरे टॉप 30 ट्रेंड्स में ये ट्रेंड पहुंच गया था। सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं आप, लगातार शुरू से मांग कर रहे हैं और ये मांग बढ़ती जा रही है, हालांकि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अगर मैं सीबीआई को ये जांच दे दूंगा तो 5-6 साल के लिए परीक्षा लटक जाएगी, और ये पूरा कैलेंडर जब तक पूरा नहीं हो जाता परीक्षाओं का, मैं सीबीआई को जांच नहीं सौंपूंगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो परीक्षा है वो 6-7 साल के लिए लटक जाएगी। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो सीबीआई की मांग कर रहे हैं वो ये परीक्षा को स्थगित करना चाहते, कराना ही नहीं चाहते। देखिए, ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, और दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि एक मुख्यमंत्री जो जिसने लॉ किया है, कानून की पढ़ाई करी है, उनके द्वारा ये बोलना है कि परीक्षाएं रुक जाएंगी, भर्ती सीबीआई की, कोई उन्हें ये समझा है कि ये स्टे के लिए नहीं हो रहे, सीबीआई जांच और स्टे में आपको फर्क तो पता होना चाहिए, सीबीआई जांच की मांग से कैसे परीक्षाएं रुक जाएंगी, और ये कहना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, तभी हम कह रहे हैं कि अगर आपने कानून की पढ़ाई करी है या लॉ पढ़ा है तो ऐसी बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण था, तो इसी वजह से हमें ये लगा कि मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं कि सीबीआई जांच ना हो और उल जुलूल बयान दे रहे हैं, और उसके बाद हमें बोल रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि भर्ती परीक्षाएं हो। अरे, हम इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं उत्तराखंड के युवाओं के हित के लिए, कि उत्तराखंड का एक युवा है जो योग्य युवा है, जो इतनी मेहनत करता है, दुर्गम क्षेत्रों से आता है हिमालय के, और तब जाके देहरादून हल्द्वानी जैसे कोचिंग सेंटरों में फीस देता है, फिर कमरों में रहता है, उसके अलग खर्चा होता है, तो जब उसको ये पता चलता है कि बैकडोर से एंट्रियां हो रही हैं, बैकडोर से सब्जी मंडियों की तरह, सब्जियों की तरह भर्तियां बिक रही है, तो वो कितना अवसाद उससे गुजरता है, तो ये पीड़ा तो हम जानते हैं, और तो हमें कहना है कि हम ही नहीं चाहते भर्ती परीक्षा, तो ये तो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बताता है कि मुख्यमंत्री जी पूरी एक उन्होंने एक रणनीति ये बना दी है कि मुझे बचाना ही बचाना है ऐसे लोगों को जो इस भर्ती धांधली में शामिल थे। एक तरफ आप UKSSSC और UKPSC और जो तमाम बेरोजगारों के मुद्दे हैं उनको लेकर आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आज हरिद्वार में पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी प्रेस वार्ता कर रहे हैं, जो विधानसभा बर्खास्तगी हुई, जो 228 कर्मचारी थे उनके समर्थन में, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि ये मामला जो है ये बिल्कुल अलग है, इसमें उनको बर्खास्त किया गया और जो उनकी नियुक्ति थी उसे अवैध करार किया गया, बीजेपी के ही वो सांसद रहे हैं, बीजेपी के ही मेंबर हैं, और ये जो
फैसला था, ये भी बीजेपी सरकार ने किया है, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए अभी तो हमें ये सूचना नहीं मिली कि समर्थन में है या नहीं है, पर अगर समर्थन में करेंगे तो खुलकर विरोध होगा, क्योंकि उत्तराखंड का युवा आक्रोशित इसलिए ही है, वो बैकडोर से हो रही तमाम जो भर्तियां हो रही हैं उसके खिलाफ उत्तराखंड का युवा आक्रोशित है, चाहे वो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में हो, चाहे वो लोक सेवा में हो, चाहे वो विधानसभा में हो, तो जो बैकडोर से हो रही भर्ती उससे तो उत्तराखंड का युवा आक्रोशित है और उसके खिलाफ पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है। तो कोई भी अगर व्यक्ति, चाहे वो कांग्रेस भी समर्थन दे रही थी, जो कोई भी अगर व्यक्ति इन भर्तियों का समर्थन करेगा, बैकडोर से हुई भी भर्तियों का, तो उत्तराखंड का युवा उसका विरोध करेगा। और विरोध इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि यही अगर परिपाटी बन जाएगी कि बैकडोर से हुई भी भर्तियों को हम जाए ठहराने लग जाएंगे, तो जो योग्य है, जो व्यक्ति है, जो योग्य अभ्यर्थी है, वो कहाँ जाएगा? तो ये अगर सुब्रमण्य स्वामी जी अगर इस तरह का कोई कदम उठाएंगे और समर्थन में आएंगे तो सुब्रमण्य स्वामी जी का भी विरोध होगा। एक और बीजेपी वाले उनके स्पीकर रितु खंडूरी जी उनके खिलाफ एक्शन कर रही है, दूसरी ओर आप उनका समर्थन कर रहे हैं, तो ये तो खुद ही एक ही पार्टी के दो लोग अलग अलग चीजें दिखा रहे हैं, तो ये तो खुद ही दोहरे मापदंड है सरकार की। आपका ट्विटर कैंपेन आज हुआ है, अभी इससे पहले आपको सशर्त जमानत दी गई थी जिसमें आंदोलन ना करने जैसी शर्तें आपको रखी गई थी, अब ये आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा? क्योंकि आपके सामने शर्तें भी हैं, आपने डिजिटल कैंपेन भी किया है, और जो आंदोलन कचहरी परिसर में चल रहा था उसको स्थगित करना पड़ा, अब ये आंदोलन आगे कैसे बढ़ेगा? कैसे जो बेरोजगार युवा हैं जो आपकी ओर देख रहे हैं, उनका दोबारा से आवाज कैसे उठाएंगे? देखिए पहले तो मैं ये बता दूं, शहीद स्थल से आंदोलन स्थगित नहीं हुआ था, धरना स्थगित किया था हमने, क्योंकि धरना वो रिहाई के लिए भी बैठे थे वो बच्चे। तो अब आंदोलन तो स्थगित नहीं हुआ है, सशर्त जो हमें जमानत मिली उसमें ये भी लिखा कि उग्र आंदोलन नहीं होगा, तो उग्र आंदोलन के तो हमेशा हम भी पक्षधर नहीं रहे हैं, हिंसक आंदोलन के तो हमेशा हम भी पक्षधर नहीं रहे हैं। तो आंदोलन तो हो गई, शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे और पूरे प्रदेश भर में करेंगे, उन लोगों के साथ करेंगे जिन लोगों ने हमें समर्थन दिया जब हम जेल में थे, तमाम जगह प्रदर्शन हुए थे, उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ आंदोलन करेंगे और आगे की रणनीति भी उन्हीं के साथ बनाएंगे। क्योंकि उत्तराखंड के युवा ने ठान चुका है कि जब तक CBI जांच नहीं हुई तो उत्तराखंड की जो भर्ती परीक्षाएं वहां पारदर्शिता नहीं आ सकती, तो जब तक CBI जांच नहीं होगी तो उत्तराखंड का युवा खाली नहीं बैठेगा, बेरोजगार संघ के साथ ही नहीं बैठेंगे और तमाम जो संघर्षशील ताकतें हैं वो शांत नहीं बैठेगी और लगातार हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। आपके साथ जो अन्य युवा जो जेल गए थे उनको परीक्षा दिलाने के लिए मुख्यमंत्री ने आदेश दिए थे लेकिन फिर भी उन्होंने परीक्षा नहीं दी, तो उन्होंने पूरी तरीके से परीक्षा का बहिष्कार किया? जी हाँ, उनको जो पटवारी की परीक्षा थी उन्होंने, क्योंकि वो गिरफ्तार हुए तो आंदोलन ही इसलिए कर रहे थे कि जब तक CBI जांच नहीं होती इन परीक्षाओं के लिए, उन भर्ती परीक्षाओं के खिलाफ, तब तक हम एग्जाम होना तो बिल्कुल ही मतलब औचित्य की बात नहीं है। तो उन्होंने बोला कि अगर हम एग्जाम देंगे फिर हमारा आंदोलन में बैठने का औचित्य क्या रहेगा, तो उन्होंने बोला कि जब तक पटवारी की, जब तक CBI जांच नहीं होगी इन भर्ती परीक्षाओं में तब तक हम एग्जाम नहीं देंगे, तो उन्होंने फिर वो पटवारी की परीक्षा नहीं दी और मतलब एक तरीके से विरोध किया उन परीक्षा का और बॉयकॉट किया। अब अगला कदम क्या ले रहे हैं? अब अगला कदम प्रदेश भर में जाएंगे, प्रदेश भर में जो आंदोलन है, जो जिन्होंने हमारे लिए आंदोलन किया उनके साथ बात करेंगे, चर्चा करेंगे, उनके साथ आंदोलन करेंगे और आंदोलन को तो और तेज गति से बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जब तक CBI जांच नहीं होगी मैंने पहले भी कहा है कि शांत तो हम भी नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो बेरोजगार संघ के लूसन तोड़रिया का साफ कहना है कि आंदोलन रुकेगा नहीं, आंदोलन लगातार जारी रहेगा। आज ट्विटर कैंपेन के माध्यम से जो UKSSC मामले में CBI जांच की मांग की गई है, कई तरीके के इसमें हैशटैग चलाए गए हैं और युवाओं में इस कैंपेन को लेकर चर्चा रही है, युवाओं ने भाग भी लिया है और अब बेरोजगार संघ जो है वो हर जिले में जाएगा और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगा। कैमरामैन अनिल बड़ोनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, उत्तराखंड तक।